चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर पूर्व में बसा हरियाणा राज्य के 22 जनपदों में एक एवं HR-14 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का गृहनगर झज्जर। झज्जर शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं गुरुग्राम से फरुखनगर होकर शहर के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करने वाली गुरुग्राम रोड से। यह सड़क सेक्टर 6 होकर झज्जर शहर में प्रवेश करती है। इसी मुख्य मार्ग पर झज्जर जनपद का लघु सचिवालय, जिला न्यायालय एवं उपायुक्त कार्यालय आदि स्थापित हैं। झज्जर के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 62,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से हरियाणा राज्य का 29वां एवं रोहतक मंडल का 7वां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। गुरुग्राम रोड शहर के बेहद व्यस्त चौराहे राव तुलाराम चौक पर पहुंचता है। यह चौराहा झज्जर के महत्वपूर्ण चौराहों में एक है। यहां से उत्तर में सिलानी गेट, पूर्व में सर्कुलर रोड स्थित है। यहां दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क रेवाड़ी रोड के रूप में पहचानी जाती है, जो शहर के दक्षिणी छोर से प्रवेश करके राव तुलाराम चौक पर पहुंचती है। राव तुलाराम चौक से उत्तर में चंद कदमों पर सिलानी गेट चौक स्थित है। यहां सर्कुलर रोड पश्चिम में बीकानेर चौक की ओर एवं पूर्व में दिल्ली गेट की ओर प्रस्थान करता है। सिलानी गेट चौराहा से उत्तर में बाजार सिलानी गेट स्थित है। यह महत्वपूर्ण बाजार उत्तर की ओर बढ़ते हुए मेन बाजार तिराहे से जुड़ जाता है। यहाँ पूर्व की ओर चौपटा बाजार, दिल्ली गेट की ओर एवं पश्चिम में मेन बाजार प्रारंभ होता है। मेन बाजार झज्जर शहर का सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र बिंदु है। झज्जर पर 1800 से पूर्व मराठों का शासन था। 1800 के आसपास यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हुआ। अंग्रेजों ने यह क्षेत्र नवाबों को सौंप दिया, जिन्होंने लगभग 1857 तक झज्जर को प्रशासनिक राजधानी बनाकर इसके विशाल क्षेत्रफल पर राज किया। 1857 के पश्चात यह क्षेत्र ब्रिटिश पंजाब के रोहतक जनपद से जोड़ दिया गया एवं झज्जर को रोहतक जनपद की एक तहसील के रूप में पहचान मिली। मेन बाजार पश्चिम की ओर बढ़ते हुए एक और मुख्य चौराहे अंबेडकर चौक पर पहुंचता है। अंबेडकर चौक पर शहर को चारों ओर से घूमने वाला सर्कुलर रोड दक्षिण में बीकानेर चौक की ओर से आकर उत्तर में बेरी गेट की ओर निकल जाता है। अंबेडकर चौक से पश्चिम की सड़क बस अड्डा रोड के रूप में पहचानी जाती है। यह सड़क भी तेजी से व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रही है। लगभग 140 वर्षों तक रोहतक जनपद में एक तहसील के रूप में रहने के पश्चात 1997 में झज्जर को वह पहचान मिली जिसके लिए स्थानीय जनमानस लंबे समय से आंदोलनरत था। 1997 में रोहतक जनपद के बहादुरगढ़ एवं झज्जर उपमंडलों को जोड़कर झज्जर जनपद की स्थापना कर दी गई। वर्तमान में झज्जर जनपद को 4 उपमंडलों बादली, बेरी, झज्जर एवं बहादुरगढ़ में विभाजित है। बस स्टैंड रोड पश्चिम की ओर बढ़ते हुए छिकारा चौक पर पहुंचता है। छिकारा चौक से उत्तर पश्चिम की सड़क बेरी होकर महम की ओर प्रस्थान कर जाती है। पश्चिम में जाने वाली सड़क चरखी दादरी से जोड़ती है। चरखी दादरी मार्ग स्थित भगत सिंह चौक से दक्षिण की ओर जाने वाला सिविल अस्पताल मार्ग, मॉडल टाउन आदि क्षेत्रों से गुजरकर नगर परिषद के निकट पुरानी तहसील रोड से जुड़ जाता है। पुरानी तहसील रोड पूर्व की ओर घूमकर कोसली मोड़ से होते हुए बीकानेर चौक पर पहुंचती है। बीकानेर चौक पर सर्कुलर मार्ग दक्षिण पूर्व की ओर सिलानी गेट एवं राव तुलाराम चौक की ओर एवं उत्तर की ओर अंबेडकर चौक की ओर बढ़ जाता है। अंबेडकर चौक को पार करके यह मार्ग बेरी गेट क्षेत्र की ओर प्रवेश करता है। बेरी गेट चौक से एक महत्वपूर्ण सड़क उत्तर दिशा की ओर रोहतक की ओर प्रस्थान कर जाती है। रोहतक मार्ग पर ही नया बस अड्डा स्थित है, जहां से झज्जर को हरियाणा राज्य के अन्य प्रमुख शहरों एवं दिल्ली आदि से जोड़ने वाली बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बेरी गेट से सर्कुलर मार्ग पूर्व की ओर घूमकर सांपला चुंगी से होकर गुजरता है, जहां से उत्तर पूर्व की सड़क सांपला, खरखोदा, सोनीपत आदि की ओर प्रस्थान कर जाती है। सर्कुलर मार्ग यहां से दक्षिण पूर्व की ओर घूमकर बहादुरगढ़ रोड एवं सिलानी गेट चौक की ओर निकल जाता है। सिलानी गेट चौराहा से पूर्व की ओर सर्कुलर मार्ग दिल्ली गेट चौराहा एवं बहादुरगढ़ मार्ग की ओर आता है।
झज्जर शहर को कुल दो थाना कोतवाली क्षेत्रों, थाना कोतवाली शहर एवं थाना झज्जर सदर में विभाजित किया जाता है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए दिल्ली गेट चौराहा नजर आता है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से पश्चिम में चौपता बाजार स्थित है। पूर्व की सड़क बादली एवं दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है। उत्तर में सर्कुलर मार्ग सांपला चुंगी की ओर एवं पूर्व की सड़क बहादुरगढ़ रोड के रूप में बहादुरगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाती है। बहादुरगढ़ मार्ग पर ही शहीदी पार्क स्थित है। यह झज्जर में मुख्य पर्यटन स्थलों में एक है। शहीदी पार्क के ठीक पीछे की ओर बुआ हसन स्मारक स्थित है, जहां अनेकों गुंबदें स्थापित हैं। यह स्थान स्थानीय बुआ नाम की लड़की और हसन की प्रेम कहानी को बयां करता है। बुआ ने 1635 के लगभग हसन के युद्ध में शहीद हो जाने पर यहां स्मारक का निर्माण कराया था। यह स्थान वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, जहां अनेकों लोग दर्शनों हेतु आते रहते हैं। झज्जर जैसे सुंदर शहर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। झज्जर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो झज्जर शहर एवं झज्जर जनपद से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।